आज पूरे देश के अंदर बहुजन समाज और यूथ की आवाज बन चुके हैं भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण। हम आपको बता दें कि भीम आर्मी शुरू कहां से हुई। यूपी के अंदर सहारनपुर के अंदर गढ़कौली के अंदर एक युवा ने बोर्ड लगा दिया द ग्रेट चमार का। इस बोर्ड को देख ठाकुरों को जैसे आग सी लग गई हो, उन्होंने इसका विरोध करा और इस पे कालिक पोत दी। किस्सा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। कालिक पोतने के बाद बहुजन समाज के सभी दलित एकजुट हो गए और उन्होंने एक यूथ आर्मी बनाई जिसका नाम दिया भीम आर्मी, और वहां से निकलकर आए चंद्रशेखर भीम आर्मी के संस्थापक। यहां से हुई भीम आर्मी की शुरुआत। भीम आर्मी की शुरुआत के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां करनी शुरू करी, और रैलियों के बाद उन्होंने आखिरी में आकर ये कहा कि मैं भी लड़ना चाहता हूं। अब क्या लड़ना चाहते हैं उसका एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये है उसका एक वीडियो। अपने आप को मजबूत करें वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए, आधिकारिक लड़ाई लड़ने के लिए। ये लड़ाई तब पूरी होगी जब इसको लड़ने वाले लोग समर्पण लेके आएंगे, त्याग लेके आएंगे, और जो आवाम के लिए कुछ करना चाहते हो, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इस लड़ाई में न सफल हो पाएंगे और न ही लड़ाई को लड़ने के लिए दूसरों को मौका देंगे। तो मेरी साफ सबको मंगल कामना है। सब लोग जो है इस लड़ाई के लिए एकजुट हुए हैं, जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे इशारा मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिलेगा आपकी आवाज आ जाएगी तो चंद्रशेखर आपको आपके आगे या पीछे खड़ा मिलेगा। मुझे नेता बनने का शौक नहीं है, मैं पिछली लाइन में खड़ा होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूं, मगर लड़ना चाहता हूं, संघर्ष करना चाहता हूं शब्दों में नहीं। ये था वीडियो जो चंद्रशेखर ने कहा था कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ। अब क्या लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, ये भीम आर्मी के चंद्रशेखर ही जाने। उन्होंने जगह जगह पर जाकर ढेर सारे धरने प्रदर्शन करने शुरू करे, किसी भी मंच को कोई भी जगह उन्होंने खाली नहीं छोड़ी, और भीम आर्मी ने ढेर सारी रैलियां कर डाली। वहीं एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ जिसमें था कि उत्तर प्रदेश में बसपा को 16 सीटों पर हराएगी भीम आर्मी, चंद्रशेखर रावण का बड़ा ऐलान। यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और इस पर लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया आने लगी। ऐसे न्यूज के पास भी ढेर सारे फोन आने लगे कि सर ये गलत है या सही है, इसका विश्लेषण करें और हमें बताएं कि क्या है इसकी असली रिपोर्ट, क्या बहन कुमारी मायावती के खिलाफ लड़ना चाहती है भीम आर्मी या चंद्रशेखर रावण बहन कुमारी मायावती को नीचा दिखाना चाहते हैं या उनको वोट बैंक के अंदर हराना चाहते हैं। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर पटना पहुंचे थे और उस रैली में उन्होंने जो कहा था वो हम आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा था ये कि आप बहुजन समाज में वोट नहीं देगा, तुम्हारी राजनीतिक नसबंदी करने का काम करेंगे हम। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मनुवादी या ब्राह्मणवादी को टिकट मिलेगा तो हम उनका नसबंदी करने का काम करेंगे। ये उन्होंने साफ साफ कहा, ये पटना में उन्होंने कहा था अपनी रैली के अंदर। जो ओबीसी से हैं वो बताए जाते हैं कि भीम आर्मी से भी जुड़े हुए हैं चंद्रभानु यादव, ओबीसी समाज से हैं। मनीष पासवान ने उन्होंने ये दोनों ने कहा कि भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में बीएसपी को 16 सीटों पर हराएगी। उन दोनों ने साफ किया कि जहां पर भी बसपा का उम्मीदवार सवर्ण होगा भीम आर्मी उसको हराने का पूरा काम करेगी। हम आपको दिखाते हैं इसकी छोटी छोटी क्लिपिंग एक एक। भीम आर्मी के राष्ट्रीय मतलब जो संस्थापक है चंद्रशेखर रावण जिनके का कथन का यही अर्थ निकलता है कि अगर बसपा का उम्मीदवार स्वर्ण है और विपक्ष में भाजपा का उम्मीदवार जो है वो पिछड़ा है तो ओबीसी है तो उसको जिताया जाए। हो सकता है कि कांग्रेस को भी वोट जाए क्योंकि क्योंकि विकल्प तीन है उत्तर। हाँ, विकल्प तीन है, तीसरा मोर्चा है और हो सकता है कि कांग्रेस को जा सकता है क्योंकि कांग्रेस का एक लीडर है सहारनपुर का, उनसे चंद्रशेखर जी का काफी नजदीकी भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद जी कहीं कांग्रेस का जो जिस सीट पे स्वर्णों को अगर टिकट दे रही है बीएसपी, वहाँ पे अगर कांग्रेस किसी ओबीसी या एससी को ओबीसी को टिकट देती है तो वहाँ पे कांग्रेस को समर्थन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम भी चंद्रशेखर रावण से बहुत अच्छे से मिले हैं और उन्होंने भी आज तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो भीम बसपा के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। हमारी कई सारी मीटिंग्स उनसे हुई है और उन्होंने कभी भी ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया है।
इस वीडियो की सत्यता जांचने के लिए हमने तुरंत फोन लगाया चंद्रशेखर जी को, लेकिन आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की वजह से चंद्रशेखर से हमारी बात नहीं हो पाई। तो हमने सुरजीत सम्राट भीम आर्मी के दिल्ली प्रभारी सुरजीत सम्राट से हुई, तो उन्होंने ये कहा। सुरजीत जी, भीम आर्मी का एक स्टेटमेंट आया है, इस भीम आर्मी का तो नहीं बोलेंगे, किसी चैनल का एक स्टेटमेंट आया है कि भीम आर्मी बीएस बसपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, तो क्या सत्य है या गलत है? नहीं नहीं बिल्कुल गलत है, ये जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं वो गलत है। हमारा जो संगठन का भीम आर्मी का और भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो संस्थापक है भाई चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने क्लियर कट बहुत पहले कर दिया है कि हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन के साथ रहेंगे, और हम इस देश के अंदर मजबूत गठबंधन चाहते हैं और बहुजनों की सरकार चाहते हैं। जो भी न्यूज चला रहे हैं वो गलत चला रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र है और बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ भी एक षड्यंत्र है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे बहुजन समाज, पूरी भीम आर्मी गठबंधन के साथ है। जी सुरजीत जी, एक बात बताइए, आगामी जैसे चुनाव आने वाले हैं तो अभी लोगों की अपनी अपनी रणनीति लग रही है, तो क्या भीम आर्मी भी चुनाव लड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, हमारा कोई अभी चुनाव लड़ने का कोई मूड नहीं है। हम सामाजिक संगठन है, 2019 में हमने गठबंधन को समर्थन किया है और हमारा जो गठबंधन का समर्थन है वो बिल्कुल अटूट है और उस पर विश्वास किया जाए समाज को। जी, तो 2019 में माना जाए कि बहन कुमारी मायावती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भीम आर्मी चुनाव लड़ेगी? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो देखो चुनाव तो बस बहुजन समाज पार्टी ही लड़ रही है, मगर हमारा समर्थन करेंगे, हमारा समर्थन है, बहन को समर्थन है, उन्होंने पूरा जीवन दिया है, संघर्षशाली नेता है और वो चार बार मुख्यमंत्री बनी है देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, और हमारी इच्छा है, हमारी कोशिश है कि वो देश की प्रधानमंत्री बने, देश की प्रधानमंत्री बने। लेकिन उस जो वीडियोस वायरल हुआ है उसमें भीम आर्मी के लोग ही बोल रहे हैं कि अगर मनोव्यवस्था के लोगों को या ब्राह्मणवाद के लोगों को टिकट मिलेगा तो इसका विरोध करेंगी भीम आर्मी, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? नहीं, वो भीम आर्मी के लोग नहीं है, वो तो भीम आर्मी से निकाले हुए लोग हैं, पर मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग विचारधारा वाले लोगों को मिले, जो विचारधारा के लोग हैं, जो कैडर के लोग हैं, उनको मिले, जिससे कि वो पार्लियामेंट में जाकर हमारी बात को, हम बहुजनों की बात को उठा सके। ऐसे लोगों को टिकट ना मिले कि जो सिर्फ वहां पर जाकर मलाई खाएं और समाज की बात को ना उठा पाएं। जी, तो हमारा ये है, हमारा पार्टी से कहना है, बहन जी से ही कहना है और सब लोगों से कहना है कि ऐसे लोगों को टिकट मिले जो ईमानदार लोग हों और जो समाज में समाज के मुद्दों को उठाते रहें। जी सुरजीत जी, हमारे चैनल से आपने बात करी फोन पे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने इस सुरजीत सम्राट की ऑडियो में हमारे साथ वार्ता के साथ सुना कि भीम आर्मी कोई भी ऐसा राजनीति कदम नहीं उठाएगी जिससे बहुजन समाज को नुकसान हो और बहन कुमारी मायावती के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको समर्थन करते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम उन्हें भीम आर्मी पूरा समर्थन करती है। सारी वीडियो आपने देख ली और आप समझ गए होंगे कि जो वीडियो आपको देखी जा रही थी वो वीडियो बिल्कुल वाहियात और बिल्कुल खराब है। सत्यता यह है कि वो वीडियो रॉन्ग बनी हुई है, ये उस वीडियो का सुरजीत सम्राट जी खंडन करते हैं। ये थी SM न्यूज की रिपोर्ट। सभी बहुजन समाज की सही खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। जय भीम, नमो बुद्धाय।